आ। आ। बोलो मेरी नानी को नहीं जाम विज्ञानी बोल दो बोरा हाँ डेडा को बोल दो मम्मा को बोल दो नो सो so गाइज़ हमारा मॉल विजिट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट शोइंग यू कि हमने वहां पे क्या थोड़ी बहुत शॉपिंग करी तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शूज़ जो हमने कबीर के लिए सो कबीर एज़ यू नो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करता है वो टेनिस खेलता है बास्केटबॉल खेलता है पर्सनल ट्रेनिंग भी करता है क्रिकेट खेलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल के लिए भी अभी उसे शूज़ चाहिए होते हैं बिकॉज़ उनकी यूनिफॉर्म स्टार्ट नहीं हुई सो वी गॉट अ कपल ऑफ शूज़ फ्रॉम एडिडास एंड वन शू फ्रॉम ज़ारा सो ज़ारा से हमने ये शू पिक किया सो so, बच्चों के लिए ये जो स्लिप ऑन शूज़ हैं ये पहनना बहुत ईजी रहता है तो कबीर खुद ही पहन लेता है एंड इज़ आर वेरी वेरी लाइट वेट शूज ईजी टू वॉक ईजी टू रन सो दिस इज़ वॉट वी हैव गॉट द नेक्स्ट शू दैट वी गॉट इज़ अगेन फ्रॉम एडिडास एंड आई लव दिस सो ये रनिंग के लिए बहुत ही अच्छे शूज़ हैं अगेन ये बहुत ही ईजी स्लिप ऑन शूज़ हैं और इस तरीके से इसे बंद कर सकते हो दिस इज़ डार्क ब्लू कलर इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल था द नेक्स्ट शू इज़ अ वाइट शू अब ये शू हमने एक्चुअल में बड़ा साइज़ लिया है ये ऑलरेडी कबीर के पास अभी करंट साइज़ है स्केचेज़ का बट ये हमें एडिडास में मिल गया तो विथ किड्स दिस एज ये जो चार से दस साल वाली एज होती है ना इस इसमें बच्चों की ग्रोथ बहुत फटाफट होती है उनमें काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और एक साइज़ अब भी है तो लेके रख लो हमारे साथ ये हमेशा वर्क किया है एंड देन देर इज़ वन एडिडाज शू जो आज कभी ने स्कूल में ऑलरेडी पहन ही लिया तो उसका इनग्रेशन हो गया है बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दैट इज़ वो स्टैंडर्ड एडिडास जो होता है ना दैट इज़ दैट शू और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कुछ आउटफिट्स फैब इंडिया के बट वो दिखाने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं सो so गाइज काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया आई डोंट नो हाउ आप हमसे इतना कनेक्टेड हो दैट यू नो एग्जैक्टली वॉट गोइंग टू हैपन एंड हाउ सो नूर का अन्नप्राशन है जो राइस सीटिंग सेरेमनी होती है बेंगालीज़ में उसको अन्नप्राशन बोलते हैं और नूर का फिफ्थ मंथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है नाइनटीन मार्च को तब तो वो फोर्थ मंथ कंप्लीट कर लेगी फिफ्थ स्टार्ट होगा तो फिफ्थ या सेवन्थ मंथ में होता है गर्ल्स का तो इसीलिए हम फिफ्थ मंथ में कर रहे हैं बिकॉज सेवन तक तो मुझे लगता नहीं कि वो वेट करेगी ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो मिल्क गिव अप करना चाहती है और सॉलिड स्टार्ट करना चाहती है बट हम फिफ्थ मंथ में कर रहे हैं और मार्च में ही कर ट्वेंटी फोर्थ मार्च इज द डेट तो मार्च में ही हम कर रहे हैं बिकॉज अप्रैल में कबीर का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एंड इस ओकेजन के लिए हम जा रहे हैं कैलकटा दादी दादू के पास ताकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो दादी दादू से मिल भी लें कबीर भी कभी नहीं गया है और नूर का भी फर्स्ट टाइम है नूर भी जाके उनसे मिलेगी एंड बेंगोली सेरेमनी है हमें था एक बार कबीर का यहाँ कर लिया और एक ओकेजन वहाँ कर लेते हैं तो यू नो इट्स लाइक सबसे मिल भी लेंगे एंड दोनों जगहों पर एक एक फंक्शन हो भी जाएंगे सो वी विल डू दैट एंड देन नूर का फर्स्ट बर्थडे यहाँ पर मना लेंगे सो यू नो दैट वीज यहाँ की फैमिली भी सब सेलिब्रेट कर लेगी और वहाँ की फैमिली भी सब सेलिब्रेट कर लेगी सो ट्वेंटी फोर्थ मार्च इज द डेट हम लोग जा रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को जाके थोड़ा सेटल होंगे मिलेंगे सबसे मस्ती करेंगे एंड देन वी विल बी रिटर्निंग अराउंड द ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च So, अच्छे खासे नौ दिन के आने वाले हैं। Hopefully, बहुत सारे आएंगे उस पे। तो अगर आप वो 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 नहीं करना चाहते हो तो तो को ज़रूर कर लीजिएगा। so, के लिए गर्ल्स की जो होती होती है है। तो हमें यहां से तो तो नहीं मिल रही तो हम कोशिश करें कि हम कैलकटा से बट सीआर पार्क है दिल्ली में वहाँ पे भी काफी कुछ मिल जाता है, so तो वो तो एक ऑप्शन है ही बट उसके अलावा भी आफ्टर द अन्नप्राशन पूजा एक लंच होगा तो उसके लिए भी हमने कुछ कुछ ले लिया है तो जैसे दिस इज़ अ वेरी क्यूट ड्रेस जो मुझे नूर के लिए फैब इंडिया से मिली इट्स अ वेरी नाइस पिंक कलर आई थिंक पिंक उसका कलर भी है एंड दिस इज़ कट स्लीव क्योंकि कलकटा में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी तो ये उसको पहना सकते हैं सो दिस दिस इज़ वन ऑप्शन देन दी अदर थिंग इज अगेन दिस वेरी वेरी नाइस क्यूट कॉटन ड्रेस जो अगेन फैब इंडिया से ही ली है ये जनरली कैलकाटा में पहनाने के लिए क्योंकि सौरभ सेज़ दैट बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है सो जस्ट एक्सपेक्ट कि भाई उसका मन नहीं करेगा कि वो ज़्यादा कपड़े पहने एंड दिस इज़ अगेन अ लाइट पिंक कलर प्योर लाइक कॉटन फैब्रिक ड्रेस सो दिस इज़ वॉट वी हैव इसके अलावा मैंने एक और ड्रेस पिक करी वहाँ पर मॉल में एक शॉप थी तो वहाँ से हल्की सी पार्टीवेयर ड्रेस और पिक करी सो दिस इज़ इट दिस इज़ अ वाइट ऑफ वाइट कलर ड्रेस विद लाइक लॉर्ड ऑफ कलरफुल लाइन्स एंड देन दिस बेल्ट और यहाँ पे ये यह हेडबैंड भी है सो so ये भी मुझे काफ़ी क्यूट लगा सो मे बी दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम उसको शाम को पहना सकते हैं या जब रिलेटिव से मिलेंगे तब पहना सकते हैं देन कबीर के लिए हमने पिक करा है कुर्ता सो दिस इज़ अ वाइट कुर्ता विद लाइन्स वाइट की ही लाइंस है तो वाइट आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों पे तो हमें इसकी पजामी नहीं मिली हमारा कोशिश है कि एक ऑल वाइट लुक दें कबीर को बट लेट्स सी कहीं और से शायद मिल जाएगी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी एंड देन वी ऑल्सो गॉड कबीर दिस ब्लैक कुर्ता इस पर भी स्ट्राइप्स हैं सो ये फुल स्लीव्स के कुर्ते हैं एंड कुर्ते कबीर पे जनरली भी बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कुर्ते का क्या होता है ये स्कूल के फंक्शन में भी चल जाता है सो आगे पीछे हो ही जाता है तो इसलिए हमने कहा अगर साइज़ मिल रहा है तो ले लो देन सौरभ के लिए हमने लिया है दिस कुर्ता इज अ वेरी नाइस यू नो इट्स लाइक अ ग्रीन कलर नॉट लाइक प्रॉपर ग्रीन बट लाइक अ ब्लू ग्रीन का मिक्स सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कलर एंड उसके साथ ये वाइट कलर का uh, चूड़ीदार है जो इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है सौरभ so, ने पहन के देखा था फिटिंग वॉज वेरी गुड सो so, ये सब है एंड देन जहाँ तक बात करें मेरी सो so, आइडली तो आई वुड हैव वांटेड कि मैं साड़ी पहनूं बट देन इस बार मैं साड़ी नहीं पहनूंगी बिकॉज uh, दो तीन रीजंस है सबसे पहला रीज़न है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी दूसरा रीज़न जो इससे बड़ा है वो ये है कि इस टाइम रेडियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड uh, नूर को वहाँ पे संभालना कबीर को संभालना जब कबीर अकेला था ना एक बच्चे को संभालना इजी होता है दो को संभालना इज लाइक अ टफ जॉब तो मैंने सोचा इस बार छोड़ो साड़ी नहीं पहनते हैं इस बार सूट पहनते हैं सो so, मैंने एक सूट पिक कर लिया बट मैं अभी बहुत कन्विंस नहीं हूँ इसके लिए मैं अभी और जाके थोड़ा देखना चाहती हूँ मुझे लग रहा है ये बहुत ही सिंपल है सो so, मैं भी पूरा तो आपको नहीं दिखा सकती बट दिस इज़ द कलर इट्स लाइक अ मेहंदी ग्रीन कलर एंड आई काइंड ऑफ लाइक सिंप्लिसिटी सो आई डोंट नॉट अ गो फॉर एनी लाउड कपड़ास सो या दिस इज इट इसके साथ कोई दोपट्टा ज्वेलरी मैच करके आई होप फुल कैन कम अप विथ समथिंग बट देन मेरा अभी भी फाइनल नहीं है एंड यहाँ पे अभी भी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है क्योंकि सौरव को अगर छोड़ दो तो डेफिनेटली कबीर के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े आएंगे ही आएंगे सो so, ज़ारा से सौरव ने कुछ टी शर्ट्स पिक करी सो दिस इज़ अ वेरी कूल टी शर्ट दैट यू कैन सी या सो इट्स अ नाइस लाइट ग्रीन कलर एंड देन दिस इज़ अ डेनम दैट ही इज़ पिक दफ फॉर हिम ये एक्चुअली सौरभ ने मैच करने की कोशिश करी है कबीर का और अपना एंड आई एम सो हैप्पी कबीर के जब हम वैक्सीनेशन के लिए गए इस बार uh, अभी बताती हूँ पहले टी शर्ट दिखाती हूँ एंड दिस इज़ अनदर ब्लैक टी शर्ट विच इज़ अ डार्क नाइट टी शर्ट डार्क नाइट मतलब अगर आप अपने बच्चों से पूछोगे तो आपको बता देंगे कि इट्स अ वेरी कोल थिंग सो ये ब्लैक भी बहुत कूल cool लग रहा है सो दिस इज वॉट वी शॉपड येस्टडे अभी थोड़ी और शॉपिंग बची है सो so वो करेंगे और तैयारियाँ शुरू करेंगे सो आई वॉज टेलिंग यू गाइज अबाउट समथिंग सो कबीर के ना वेट को लेके मुझे हमेशा एक कंसर्न रहता था कि उसका जो वेट गेन है वो uh, थोड़ा सा लोअर साइड पे होता था यू नो इट इट वॉजेंट लाइक फिफ्टियथ परसेंटाइल ऑल्सो ही यूज़ टू बी लाइक अराउंड द थर्टी परसेंटाइल्स एंड इर रिस्पेक्टिव ऑफ ईटिंग सो वेल वो ही इज एवरी थिंग दैट इज़ देयर इन ही ईट्स हेल्दी वो हार्डली कभी जंक खाता है कभी छुटपुट खा लिया खा लिया बट जनरली फ्रूट्स भी खाता है वेजिटेबल्स भी खाता है नॉन वेज भी खाता है ही ईट्स एवरी थिंग एंड इतना एक्टिव है सब कुछ है बट वेट वाइज ही वॉज नॉट गेनिंग वेट एंड आई यूज टू भी कंसर्न बट मुझे सब कहते थे कि यार छोड़ यार इट्स लाइक ही इज एक्टिव आईट यू हैव टू भी कंसर्न अबाउट इट बट मदर्स हार्ट ना यू नो ना आपको लगता है यार इतना खाता है थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना सो मुझे भी ऐसा फील होता था बट हाउ लाइफ इज़ जब मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ा और मैंने ये कहा कि भाई छोड़ो एज लॉन्ग एज ई इज़ ईटिंग हेल्दी एवरीथिंग इज़ फाइन जब इस बार हम वैक्सीनेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने उसके परसेंटाइल चार्ट पे उसको माफ किया

Forget it as long as they are eating healthy and they are enjoying and they are active and they are happy. यू नो यू ऑल्सो शुड बी हैप्पी सो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं कल का हमारा मॉल विजिट वॉज रियली गुड वी मेट अ लॉर्ड ऑफ सब्सक्राइबर्स देर एंड इट वॉज सो नाइस बिकॉज ऑफ कोविड हमेशा मास्क एंड यू नो लोगों से मिलने में डर लगने में कभी कोई मिल नहीं पाता था बट कल लिटरली वी वर ईटिंग एंड यू नो पीपल केव एंड सेट हाई एंड देन स्पोक टू अर्स एंड कबीर को इतने लोगों ने आके मिला कबीर से अपने बच्चों को मिलवाया वेरी नाइस थिंग यू नो वेन देवेंट कबीर वॉज लाइक मम आर दे माई फॉलोअवर्स आर दे माई फैन आई वुड लाइक टू से हर

you mm -hmm.